अप्रैल पिछले 24 घंटा में थंडरस्टॉर्म का साथ एक दो जगह करके बारिश हुआ है, मेनली कोरापुट, गंजाम, नवरंगपुर, ढेंकनाल, अंगूल, संबलपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। हाईएस्ट बारिश हुआ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, सिमलीगुड़ा 12.0 मिलीमीटर, हंजनगर 7.0, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में अल्तुमा 5.4 मिलीमीटर, ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेनी प्लेसेस में 40 से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। कुछ कुछ स्थानों पर 42 एंड अबव टेम्परेचर भी है। हाइस्ट टेम्परेचर हुआ बारीपदा 42.6 डिग्री सेल्सियस, बोलांगीर 42.5, केरी 42.5, झारसुगुदा 42.4, सोनपुर 42.1, झारसुगुदा 42.4, बौद्ध 42.0 डिग्री सेल्सियस। कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्वाभाविक का आसपास टेम्परेचर है। भुवनेश्वर सिटी में 37.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अभी हमारा अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट है, इसमें नेक्स्ट 24 आवर्स में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, कंधमाल, गंजाम, नयागढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, अंगुल, ढेंकनाल, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हो सकता है। कल भी हमारा मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस है। फिर 14th में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी स्लाइटली इंटेंसिटी इंक्रीज होने का चांसेस है। इसमें कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में मेनली रायगढ़, कालाहंडी, कंधमाल, बौद्ध, अंगुल, ढेंकनाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ तेज हवा गस्ती सरफेस विंड 40-50 km/h तक जा सकता है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश एक दो जगह करके हो सकता है। 15th-16th में भी मेनली कोस्टल विशाखा अडजोइनिंग इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश होने का चांसेस है। मैक्सिमम टेम्परेचर अगला 3-4 दिन में ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। अगला 3 दिन तक हमारा इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर 42 एंड अबव टेम्परेचर जाने का चांसेस है। स्वाभाविक से भी 2-3 डिग्री तक ज़्यादा रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में स्वाभाविक का आसपास ही टेम्परेचर रहेगा, 37 के आसपास टेम्परेचर अगला 3-4 दिन तक रहने का चांसेस है। और इवनिंग आफ्टरनून से नाइट में एक तरह पार्टली क्लाउड स्काई होने का चांसेस है। और 14th-15th उस समय थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश भी हो सकता है।